जापान के दौरे पर हैं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, जहां पर जापानी उद्योगपतियों को निवेश के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। तो सुबोध उनियाल ने प्रवासी उत्तराखंडियों से भी इस दौरान बातचीत की। अपने अंदाज में अपने प्रवासी भाइयों से इस दौरान वो दिल की बात कहते हुए नजर आए। तो कृषि मंत्री सुबोध उनियाल इस दौरान जापान के दौरे पर हैं, जहां पर उद्योगपतियों को उत्तराखंड में निवेश के लिए यहां पर न्योता दिया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है। तो टोक्यो में यहां पर प्रवासी उत्तराखंडियों से भी बातचीत की गई है। जैसे भारत एक विविधता का देश है, इस तरह हमारा उत्तराखंड भी बड़ा विविधता का देश है। अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग कल्चर है। आपका पिथौरागढ़ में भोटिया कल्चर है, हमारे यहाँ फिर चकरौता क्षेत्र में हमारे ट्राइबल भाई हैं, उनका डिफरेंट कल्चर है। बोक्सार है, उनका डिफरेंट कल्चर है। कुमाऊं का डिफरेंट कल्चर है, गढ़वाल का डिफरेंट कल्चर है, बट उसके बावजूद और मैदानी क्षेत्र है, उसका अलग कल्चर है। और देहरादून से ब्यूरो चीफ पंकज पवार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज जी, जो लक्ष्य पाने के लिए जापान का ये दौरा है, क्या वो लक्ष्य उत्तराखंड को प्राप्त हो पाएगा? क्या उद्योगपति आने वाले समय में उत्तराखंड में निवेश करेंगे? बिल्कुल, अगर कहा जाए तो जिस तरीके से सुबोध उनियाल वहां पर प्रवासी उत्तराखंडियों से बात कर रहे हैं और बिल्कुल पहाड़ी भाषा में जो बात करते हुए नजर आ रहे हैं, कोशिश यही है कि जो निवेश है जापान से, जितने उत्तराखंड के लोग हैं या फिर अन्य जो लोग वहां से निवेश करना चाहते हैं उत्तराखंड में, उन तमाम लोगों को यहां पर आने के लिए आमंत्रित किया जाए। और उसी तरीके का काम जापान में जाकर प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को वहां जाना था, लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द हुआ और सुबोध उनियाल वहां गए हैं। तो कई चीजों पर सुबोध उनियाल वहां पे चर्चा करते हुए नजर आए। उन्होंने उत्तराखंड की वनों की स्थिति के बारे में बताया, उत्तराखंड में किस तरीके से निवेश कर सकते हैं, इन तमाम चीजों पर वहां पर अपनी पूरी तरीके से उन्होंने अपनी डिबेट रखी है। तो कुल मिलाकर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके वहां जाने से प्रदेश में कुछ ना कुछ निवेश तो जरूर आएगा। जी चलिए, धन्यवाद आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जापानी उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया गया, साथ ही प्रवासी उत्तराखंडियों से भी अपने दिल की बात कही।